देखिए, आप नफरत बांटते हैं, मैं प्यार बांटता हूँ। आप नफरत सुनना चाहते हैं, मैं नफरत बोल नहीं सकता। आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों तनख्वाह कितनी आपकी? क्यों आपने कभी उस आदमी से पूछा जो 100 रुपए रोज कमाता है? मेरी जनता, आपने कभी मेरी तनख्वाह पे टैक्स जाता है? आप इस बात को सच क्यों साबित करने देते हैं? आप इस बात को क्यों सच साबित करने देते हैं? आपने मुझे बुलाया, मुझे बात करने का हक है, आप मेरी बात सुनने पर तैयार नहीं है। आज की इस वीडियो में बात AIMIM नेता असीम वकार की करेंगे। आज कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें असीम वकार ने जरूरी मुद्दों पर डिबेट ना करने पर गोदी पत्रकारों की क्लास लगाई हो। न्यूज 18 पर बांग्लादेश के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने असीम वकार को बांग्लादेश के मुद्दे पर जवाब देने को कहा। जब वे जवाब दे रहे थे तो एंकर ने उन्हें बीच में बार बार टोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद असीम वकार ने एंकर की क्लास लगा दी। असीम वकार, जो मोहन भागवत ने कहा, फिर वो इस समय बिल्कुल मौजूद है कि हिंदुओं को एकजुट होने का टाइम आ गया? नहीं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं पहले तो मुझे ये समझा दीजिए। देखिए, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। मेरा मिजाज, मेरी आइडियोलॉजी, मेरी मानसिकता बिल्कुल अलग है। आप पैर काट रहे हैं, आप कोई नहीं चूमता। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। आप पैर काट रहे हैं, आप पैर काट रहे हैं। मैंने अपनी कही। आप हाथ चूम रहे हैं, पता है 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। हाथ पैर चूम रहे हैं आप, मुझे पता है कितना हाथ पैर चूमते हैं आप लोग। 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, 15 मिनट पुलिस हटा दो। देखिए, आप नफरत बांटते हैं, मैं प्यार बांटता हूँ। आप नफरत सुनना चाहते हैं, मैं नफरत बोल नहीं सकता। आप नफरत से देश चलाना चाहते हैं, मैं चारों तरफ मोहब्बत के फूल खिलाना चाहता हूँ। लड़ाई तो हमारी आपकी होगी, मुकम्मल लड़ाई होगी। आप अपने एजेंडे पे चलेंगे, हम अपने एजेंडे पे चलेंगे। रिपब्लिक टीवी पर हुई एक डिबेट में एंकर ने सवाल असीम वकार से किया। इस पर असीम ने महंगाई, बेरोजगारी पर बात करने को कहा, पर एंकर के बार बार टोकने पर असीम वकार ने सुना दिया। वकार साहब, अगर देश ऊपर है तो हर चीज में विरोध करने से क्या फायदा होगा देश का? और जो जनता आपको जिता रही है, जो जनता का वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ, चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों इतनी देर की बोलने दीजिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। जवाब दीजिए, अगर समा बांधने में आप भी माहिर हैं तो सवाल का जवाब दीजिए ना। जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? मांग रहा हूं आपसे, मैं आपसे सवाल ही का जवाब मांग रहा हूं। क्या सवाल? कितनी तनख्वाह है आपकी? आपसे आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों तनख्वाह कितनी आपकी? क्यों आपने कभी उस आदमी से पूछा जो 100 रुपए रोज कमाता है? मेरी जनता, आपने कभी मेरी तनख्वाह पे टैक्स जाता है? कमाता है क्या? जाहिल आदमी है आप सर, कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है क्या? वैसी साहब है आप सर, क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आ रही। आप सुनते हैं? सॉरी सर, नहीं नहीं, वैसी साहब सर आप अच्छे आदमी नहीं है। न्यूज 18 पर कांग्रेस पार्टी के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर रमेश देवकर ने सवाल असीम वकार से किया, जिस पर असीम वकार ने जवाब दिया। पर जब एंकर ने सरकार का पक्ष लिया तो असीम वकार ने एंकर को लताड़ा। फिर यहाँ मुसलमानों की बात करेंगे कि हिंदू अल्पसंख्यक हिंदू को निकाल देंगे? सर सुनिए, मुझसे लोगों ने कहा कि बाकी पत्रकारों के देखते हुए अमीश देवगन ज्यादा काबिल हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है। मैंने कहा कैसे? तो एक ने मुझे बताया कि साहब उन्होंने पत्रकारिता के स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और ट्रेनिंग की उन्होंने आरएसएस के स्कूलों में, बीजेपी कार्यालय में, तो उनके पास डिग्रियां ज्यादा है। आरएसएस की डिग्री भी है, बीजेपी की डिग्री भी है। अच्छा, तो आप इस बात को सच क्यों साबित करने देते हैं? आप इस बात को क्यों सच साबित करने देते हैं? आपने मुझे बुलाया, मुझे बात करने का हक है, आप मेरी बात सुनने पर तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देश में। इंडिया टीवी पर आर्यन खान पर हुई डिबेट में एंकर ने हिंदू मुस्लिम एंगल पर असीम वकार से सवाल किया, जिस पर असीम वकार ने मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो ड्रग्स मिलने पर मीडिया में कोई डिबेट ना होने पर एंकर की क्लास लगा दी। अभी चर्चा में ये बात निकल कर आई कि आर्यन खान के ऊपर इसलिए हाई तौबा मची हुई है क्योंकि शाहरुख खान का नाम उससे जुड़ा है। क्या एक सेलिब्रिटी का बेटा होना अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि राजनीति हो जाएगी? कि आज मैं टीवी पे सुन रहा था कि 6 ग्राम कोई मर्चेंट है, वो क्या नाम उसका, उसके पास से मिला 6 ग्राम। एक के पास से मिला होगा, 10-12-15 ग्राम और मिला होगा। और 7-8 दिन से लगातार कोई घंटा ऐसा नहीं है न्यूज चैनलों का, नेशनल चैनल्स का, जिस पर ये डिबेट ना हो रही हो। और वहीं हिंदुस्तान में एक मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो 3 टन हीरोइन बरामद होती है, 1 घंटे की डिबेट भी कोई नहीं करके करता है। ना अजय कुमार जी आपका चैनल कर रहा है, रजत जी रोज शाम को 9 बजे बोलते हैं,
रोज शाम को 9 बजे एक उनका शो आता है, एक अल्फाज जो निकल जाए गलती से मुंद्रा पोर्ट के बारे में। भाई आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जाहिर सी बात है हम हर मुद्दे पर अपनी बात बड़ी स्पष्टता और बेबाकी से रखते हैं। आप असीम वकार की इन डिबेट्स पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।